Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen exercise 6.1. Today's video we are going to see some more topics of this chapter. Today's topic is exterior angle of a triangle and its property. एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं वो ट्राइंगल के एंड इट्स प्रॉपर्टीज उसकी जो खासियत हैं वो हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर एंगल जो है वो देखते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? एन एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो बाहर वाला हिस्सा है इज इक्वल टू द सम ऑफ जो है ट्राइंगल उसका बाहर वाला जो हिस्सा है वो इंटीरियर एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स उसके सम के इक्वल होता है। ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, ये जो है इस एंगल का ये वाला एंगल। फिर एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल वाई। अब वो किस तरह से वो हम लोग देखते हैं। तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल एक्स जो है तो उसके लिए क्यों ये है एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल एक्स यानी कि ये एंगल एंड ये एंगल जो है इन दोनों का सम जो है वो कितना होता है वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो लाइन सेगमेंट बी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट सी ई। बी ए इज परपेंडिकुलर इज पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। पैरेलल मतलब कि ये जो इसको हम लोग अगर लाइन में कन्वर्ट करें एंड इसको भी हम लोग लाइन में कन्वर्ट करें, लाइन सेगमेंट जो हैं तो ये जो दोनों लाइंस हैं वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बी ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट सी ई आर पैरेलल लाइंस, जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, सेम वही फंडा। एंड ए सी ये वाला जो है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ये वाला लाइन सेगमेंट जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट में, तो ट्रांसवर्सल के दो एंगल्स जो हैं अपोजिट एंगल्स तो वो हम लोगों को सेम मिलते हैं, यानी ये एंगल एंड ये एंगल का मेजर सेम होगा। नेक्स्ट ये एंगल, एंगल टू एंड एंगल वाई, अगेन सेम फंडा। वाई बिकॉज बी ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट सी ई आर पैरेलल एंड बी डी लाइन सेगमेंट बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ये जो है ये लाइन सेगमेंट एंड इसका ट्रांसवर्सल जो है वो ये वाला। तो इसलिए ये एंगल टू एंड एंगल वाई जो है वो हम लोगों को सेम मिलते हैं। नेक्स्ट है एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ऑल्सो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये जो एंगल है इन दोनों का सम, तो वो हम लोगों को क्या मिलेगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल, इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो ये पूरा एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये जो पूरा एंगल है वो है एंगल ए सी डी, यानी कि द अबोव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल्स एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज रिफर्ड टू एज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो है हम लोगों के पास रिलेशन जो हम लोगों ने लिया
ये जो रिलेशन्स हम लोगों को मिले अभी अभी जो हम लोगों ने जस्टिफिकेशंस देखा, तो ये जो एंगल्स हम लोगों को, ये जो रिलेशन्स मिलते हैं एंगल्स के बीच में, वो रिलेशन्स इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स के बीच में जो मिलते हैं हम लोगों को, इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज रिफर्ड टू एज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जाम्पल है, फाइंड एंगल एक्स इन फिगर 6.11। ये जो है आप लोगों के पास फिगर है 6.11, इसमें एक्स जो है वो यहाँ पे है। अब इसका हम लोगों को जो है फाइंड करना है मेजरमेंट, एक्स जो है इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब अगर आप लोग देखें तो इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी अभी देखी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। सो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि ये जो है इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो ये दोनों हैं, 50 डिग्री वाला एंड एक्स वाला, एंड यहाँ पे जो है वो मिलता है हम लोगों को 110 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो हम लोगों को जो है फॉर्मूला हम लोगों के पास है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो अगेन दोनों साइड जो है, ये वाला इक्वेशन जो है इसमें दोनों साइड जो है वो हम लोग 50 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो एक्स 50 डिग्री प्लस एक्स माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू हम लोगों को मिलता है 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही एंगल्स फाइंड करने वाली हम लोगों के पास एक्सरसाइज जो है वो 6.2, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये जो है अगली वाली जो हम लोगों ने देखी वो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स के लिए थी। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, वो एक्टिविटी करके हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ड्रॉ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। अब वो ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करने के बाद कट द थ्री एंगल्स, इस तरह से जो है वो आप लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। उसके जो तीन एंगल्स जो हैं इसको कट कर लीजिए, यहाँ से बीच में से अगर आप लोग कट करते हैं तो आप लोगों को तीन एंगल्स जो है वो सेपरेटली मिल जाएंगे कुछ डिफरेंट टाइप से। अब रीअरेंज देम एज शोन इन फिगर 16.32। तो यहाँ इस तरह से जो है एंगल्स आप लोग इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे एंड यहाँ से कट करेंगे। अब जो कट होता है वो कट वाला जो पोर्शन है इसको आप लोग रीअरेंज कर लीजिए कुछ इस तरह से। एंगल वन जो है वो हम लोग इस तरह से रखेंगे, एंगल टू यहाँ पे एंड एंगल थ्री यहाँ पे। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, लाइन सेगमेंट मिल जाता है। तो स्ट्रेट एंगल हम लोग पास है तो उसका जो मेजर है वो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री। उसका मतलब क्या होता है, दस द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ द मेजर्स, तीनों एंगल्स जो हैं उसका हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को ट्राइंगल जो है वो मिलता है 180 डिग्री। सेम वे ये जो है हम लोगों ने इस तरह का ट्राइंगल लिया था, आप लोग जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स ले सकते हैं। एंड एंगल्स जो है यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाला एंगल यहाँ पे लिया था, लेकिन आप जो है वो चेंज कर लीजिए एंड फिर अगेन कट कर लीजिए एंड इस तरह से अरेंज कीजिए तो भी एवरी टाइम आप लोगों को जो सम है वो 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ये जो है वो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है, टेक अ पीस ऑफ पेपर
कट अ ट्राइंगल। आप लोग क्या कीजिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए, एक पेपर पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए एंड उसको जो है वो कट कर लीजिए। कट करने के बाद क्या कीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब मेक एन अल्टीट्यूड ए एम बाय फोल्डिंग ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल जो है ए बी सी हम लोगों ने जो कट किया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ये जो डॉटेड लाइन है वहाँ से आप लोग फोल्ड करते हैं, तो ये जो है हम लोगों को अल्टीट्यूड मिल जाता है। अल्टीट्यूड क्या है वो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में अभी अभी दो दिन पहले ही देखा है। फोल्ड नाउ देम थ्री कॉर्नर्स सच दैट ऑल थ्री वर्टाइसेस ए बी एंड सी टच एट एम एम। तो हम लोग क्या करेंगे, तो तीनों की तीनों जो वर्टाइसेस हैं उसको इस तरह से फोल्ड कीजिए ताकि सारी की सारी जो वर्टाइसेस हैं वो यहाँ पे टच करें। इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड करेंगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, इसको फोल्ड करते हैं तो ये वाला हम लोगों को मिलेगा, एंड ये जो सी है इसको हम लोग फोल्ड करते हैं तो कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब सारी की सारी जो है वो एम पे टच हो जाती है वर्टाइसेस। यू फाइंड दैट ऑल द थ्री एंगल्स फ्रॉम टूगेदर अ स्ट्रेट एंगल। अगेन यहाँ पे जो है ये तीनों अगर हम लोग देखें तो ये जो है हम लोगों को अगेन स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, एंड स्ट्रेट लाइन जो है उसके एंगल जो है उसका सम है हम लोगों के पास 180 डिग्री। सो अगेन ट्राइंगल जो है उनके तीनों एंगल्स का जो सम है वो हम लोगों को मिलता है 180 डिग्री। सो ये जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों के पास है। The total measure of the three angles of a triangle is 180 degree. तो ये जो है हम लोगों के पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या है, द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 degree। अब एग्जाम्पल हम लोगों के पास है तो वो देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड मेजरमेंट ऑफ पी। ये जो फिगर है हम लोगों के पास दी गई है, अब इससे अकॉर्डिंग हम लोगों को पी जो है उसका मेजर फाइंड करना है। तो 47 डिग्री मेजरमेंट जो है वो क्यू का है एंड 52 डिग्री जो मेजरमेंट है वो आर का है। अब हम लोगों ने अभी अभी जो एंगल सम प्रॉपर्टी देखी उसके अकॉर्डिंग तीनों जो एंगल है उनका सम होता है 180 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन दोनों की वैल्यू जो है क्यू एंड आर की वैल्यू जो है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ पी हम लोगों को फाइंड करना है, सो 47 डिग्री एंड 52 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है वो 47 डिग्री एंड 52 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री माइनस, हम लोगों के पास ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों साइड जो है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, या तो फिर अगेन आप लोग क्या कीजिए, इन दोनों का सम कर लीजिए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 9, 5 plus 4, 9, सो 99 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों साइड जो है हम लोग 99 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 99 डिग्री माइनस 99 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। इजीली आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन कीजिए, आप लोगों को आंसर जो है वो मिलता है 81 डिग्री। सो एंगल जो है पी उसका मेजरमेंट हम लोगों के पास मिलता है 81 डिग्री। अब ये जो है एक्सरसाइज 3.6 वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। डिफरेंट एंगल्स दे दिए गए हैं, यहाँ पे
एंगल का मेजर नहीं दिया गया है लेकिन सिंबल दिया गया है, इसका मतलब है राइट एंगल, तो इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री होगा। सो 90 प्लस 30 120, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे जो है वो तीनों के तीनों एक्स दे दिए गए हैं, तो उसका हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे? तो एक्स दे दिया गया है यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों साइड जो है वो हम लोग 3 से डिवाइड करें, सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सिंपल। तो तीनों के मेजर जो है वो 60 डिग्री मिल जाते हैं। सेम वे 2x प्लस एक्स, सो 3x प्लस 90, राइट एंगल का सिंबल है इसलिए, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 3x, x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये जो सिंबल है वो राइट एंगल का है इसलिए, सो 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देयरफॉर 3x जो है हम लोगों को मिलता है 90 डिग्री। अब दोनों साइड जो है 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30, सो 60 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो आप लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सेम वे जो हम लोगों ने अगली वाली जो प्रॉपर्टी देखी थी एंगल सम से पहले, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सम वाली प्रॉपर्टी, उसका यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करना है, तो वो भी अगेन आप लोगों को होमवर्क में करना है। सो 6.2 एंड 6.3 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।